राफेल का भी बाप निकला भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। तेजस ने कर दिया रूस अमेरिका फ्रांस को धराशाही। भारत की मायावी शक्ति देखकर उड़ गए चीन के होश। भारत के लिए लगी दुनिया की लंबी कतार। तेजस तेजस बस रट रहे हैं लोग। 18 साल बाद भारत का कमबैक देख अमेरिका की निकल गई आंखें। मोदी का चला जादू, आधी दुनिया में तेजस के लिए लगी लंबी कतार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी भारत और फ्रांस के बीच में एक भयानक युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसमें हमें देखने को मिला था कि फ्रांस ने अपने 220 लड़ाकों को भारत के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए भेजा था, जो कि फ्रांस के राफेल विमान और कई अन्य विमान को लेकर भारत में आए हुए थे। और इस युद्ध अभ्यास में भारत के तेजस और फ्रांस के राफेल के बीच जमकर टक्कर हुई। और यहाँ पर जिस तरीके का प्रदर्शन भारत के तेजस ने किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत के तेजस की चर्चा की जा रही है। फ्रांस जैसा देश ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि भारत का तेजस लड़ाकू विमान इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है, जिसके सामने सुपरसोनिक लड़ाकू विमान भी हल्का पड़ने लगा था और हमें देखने को मिला। इसी के बाद से भारत के पास लगातार तेजस को खरीदने के लिए ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं और लोगों ने अपनी देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के तेजस को खरीदने का फैसला किया। जिस तरीके से लोग कतार में आकर खड़े हैं और भारत के तेजस को खरीदना चाहते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों को शर्मिंदा करने की वजह बन रही है। कभी सपने में भी इन देशों ने ये नहीं सोचा होगा कि इनके फाइटर जेट से ज्यादा भारत के फाइटर जेट तेजस की मांग दुनिया में बढ़ने लगेगी। और ये भारत की बढ़ती कामयाबी का एक पक्का सबूत है। ये वही भारत है जो कभी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहा करता था, चाहे वो हथियार को लेकर हो या फिर कोई अन्य चीज को। आज जिस तरीके से मोदी ने कमाल किया है, वो पूरी दुनिया को दिखा दे रहा है कि रूस और अमेरिका जैसे देश आज भारत को देखकर अपनी दांतों तले उंगली दबाकर बैठे हुए हैं। भारत ने पहली बार फाइटर जेट को बनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया और भारत का ये कदम काफी ज्यादा कामयाब हुआ। यहाँ पर जिस तरीके से दुनिया में भारत के तेजस की मांग उठ रही है, उसको देखकर भारत भी ये बात समझ चुका है कि 2022 के अंत से लेकर 2023 की शुरुआत तक भारत को ना जाने कितने ऑर्डर मिल चुके हैं। और कई ऐसे देश हैं जो कि कतार में खड़े हुए हैं और भारत से तेजस खरीदने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भारत कभी रूस जैसे देशों से हथियार खरीदा करता था, और आज समय आ चुका है कि भारत खुद ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने हथियार अपने ही देश में बना रहा है। और भारत ने तेजस जैसे फाइटर जेट का भी निर्माण भारत में ही किया है। और भारत की बढ़ती कामयाबी को देखकर वो देश आज काफी ज्यादा शर्मिंदा हैं जो भारत के तेजस के सामने फीके पड़ चुके हैं। जिस तरीके से युद्ध अभ्यास के दौरान फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल ने भारत के लड़ाकू विमान तेजस से मुंह की खाई है, उसको देखकर फ्रांस भी शर्मिंदा है। जो देश कभी दूसरे देशों से हथियार खरीदा करता था, आज उसके देश का हथियार इतना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है कि उसके सामने वो देश भी फीके पड़ गए जो कि इस फील्ड में भारत से कई साल पहले उतर चुके थे। लेकिन भारत ने आते ही धमाल मचा दिया और लोगों की नजरों में भारत का तेजस आ चुका है। यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने में तेजस की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इतने ऑर्डर भारत के पास आ चुके हैं कि भारत पूरा करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको भारत से सबसे पहले तेजस चाहिए, जिसमें नाक निकाल कर आ रहा है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस, मलेशिया, फ्रांस, अमेरिका और मिस्र जैसे देश, जो कि भारत में कतार लगाकर भारत के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने के लिए अभी से खड़े हो गए। और 2023 वो साल होने वाला है जिसमें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत और मिस्र के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और ये एक बहुत बड़ा काम किया जाने वाला है। और इस चीज का सीधा सदमा हमारे पक्के दुश्मन चीन को लगा हुआ है। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस खबर पर आने से पहले हम आपको तेजस की कुछ खूबियों के बारे में बताते हैं, जिसको जानकर आपको भी भारत के ऊपर गर्व हो जाएगा। भारत की ताकत और टेक्निक ने पूरी दुनिया में भौकाल मचा कर रखा है और भारत पहले अपने देश को सुरक्षित करने की सोचता है, उसके बाद बचा कुचा दूसरे देशों में भेजा जाएगा और बेचा जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस विमान खरीदने के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ का करार किया गया है। और भारत के तेजस की ताकत का अंदाजा लगाना है तो आप देख सकते हैं कि सब देशों ने अपना अपना विमान यहाँ पर लेकर आए थे, जिसमें चीन ने GF-17, इसके अलावा दक्षिण कोरिया FA-50 विमान लेकर पहुंचा था और रूस MiG-35 को लेकर पहुंचा हुआ था। लेकिन भारत के तेजस ने कमाल कर दिया।
इतने बड़े बड़े देशों के विमान को पछाड़ते हुए भारत के तेजस ने पहली पोजीशन पर अपनी जगह बनाई। इसको देखकर सभी देश सदमे में चले गए और भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और यही वजह है कि यहाँ पर मलेशिया की नजरें भारत के तेजस विमान पर चढ़ चुकी हैं। मलेशिया को भारत के तेजस के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। दोस्तों, भारत को 1983 में इस बात का एहसास हो गया था कि भारतीय वायुसेना में एक हल्का लड़ाकू विमान होना ही चाहिए, और इसके बाद से ही भारत के साइंटिस्ट एक ऐसा विमान तैयार करने में दिन रात एक कर चुके थे। और 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण कर लिया। जनवरी 2001, ये वही समय था जब भारत के तेजस लड़ाकू विमान ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इन्होंने ही इसका नाम तेजस रखा। और ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है चमक, और भारत के लिए ये एक अच्छी खबर थी, क्योंकि जिस फ्रांस के राफेल विमान से भारत का पक्का दुश्मन चीन इतना ज्यादा डरता है, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक भारत का तेजस लड़ाकू विमान है, जो कि चीन को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टेंशन दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत का तेजस विमान 2376 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ सकता है, लेकिन अगर हम वहीं राफेल की बात करें तो यहां पर राफेल 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, और तकरीबन भारत का तेजस विमान राफेल के मुकाबले लगभग दोगुनी स्पीड से उड़ सकता है। और तेजस विमान के बारे में मिलता ये है कि ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है, और 54,000 फीट की ऊंचाई पर जाना तेजस के लिए कोई बड़ी बात नहीं, और इतनी ऊंचाई से ये किसी भी दुश्मन पर बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। और इसकी एक और बड़ी खासियत ये भी शामिल है कि ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा तेजस में 6 तरीके की मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, और इस चीज से भी आप समझ गए होंगे कि ताकत के मामले में भी भारत ने अपने तेजस को किसी भी फाइटर जेट से पीछे नहीं रखा, और भारत की 18 साल की मेहनत का असर पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, और दुनिया ये मानने पर मजबूर हो गई है कि भारत का लड़ाकू विमान तेजस उनके लड़ाकू विमान से ज्यादा बेहतर है। और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से इस समय तेजस की मांग लगातार तेजी से उठती हुई दिखाई दे रही है। भारत और मिस्र के बीच में तेजस को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं, और मिस्र भारत से तेजस खरीदना चाहता है, वो भी किसी भी हाल में। और इसी के चलते हुए भारत ने यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने देश में आमंत्रित किया है, और मिस्र अपने लिए इसे फायदे के मौके के रूप में देख रहा है और भारत के साथ अपने रक्षा समझौतों को बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा मिस्र भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित 9 मेहमान देशों में शामिल है। जिस तरीके से दुनिया के कोने कोने में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की मांग बढ़ रही है, उसको देखकर कहीं ना कहीं चीन काफी ज्यादा चिंतित मालूम हो रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में अगर चीन की तरफ से भारत के तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने की बात कही जाए तो भारत को चीन को तेजस बेचना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।